अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए आपको सिर्फ ये रेड बटन पे क्लिक करना है, साथ ही इसके बगल में जो एक घंटी बनी है उसको भी क्लिक करना है, ताकि फ्यूचर में कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले वो आपके पास पहुँच जाए। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में टेकारिजवी में। दोस्तों मैं हूं राहुल और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने फ़ोन से निकलने वाली ख़तरनाक रेडिएशन से बच सकते हैं। दोस्तों हमारे फ़ोन में से जो रेडिएशन्स निकलती है वो हमारे लिए इतनी हार्मफुल है कि उससे हमें ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। दोस्तों इसके बारे में मैंने कल परसों ही कुछ इसके बारे में पढ़ा था, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है, आपको कम से कम फ़ोन का इस्तेमाल करना है। अपने फ़ोन को कान से लगा के बिल्कुल बात ना करें, उसको अवॉइड करें जितना हो सकता है। आप अपने हैंड्स फ्री यूज़ करिए और साथ ही ब्लूटूथ में स्पीकर कान में लीड लगा वैसे बात करिए, या फिर फ़ोन के स्पीकर से आप अपनी बात कर सकते हैं। और हो सके तो आप कॉल्स को यूज़ करना बिल्कुल ही बंद कर दीजिए और टेक्स्टिंग पे अपनी बात कर सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ऑप्शन है आपके लिए। दोस्तों जो सेकेंड थिंग है वो ये है कि प्रेग्नेंट वुमेंस और बच्चों से फ़ोन्स को कभी हमेशा दूर रखिए। दोस्तों इससे क्या होता है, जो बच्चे होते हैं छोटे, उनके जो स्कल होता है, ब्रेन होता है, वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है और वो जो एक अडल्ट इंसान होता है उससे डबल रेडियो एक्टिव जो रेडिएशंस होती है उनको रिसीव करता है। तो दोस्तों उनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। आपको ये करना है कि बच्चों और प्रेग्नेंट वुमेन से इन सारी चीज़ों को दूर रखना है, ताकि वो अच्छी ज़िंदगी जी सकें। दोस्तों अब जो दूसरी बात है वो ये है कि हो सके जितना हो सके आप रात को अपना फ़ोन ऑफ़ करके रखिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो रेडिएशंस फैलती है वो रात के समय फैलती है जब हम सोते हैं, और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं अपने तकिए के नीचे फ़ोन को रखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। अगर आप अपने फ़ोन में अलार्म लगाते हैं और उस वजह से अपने बेड के पास अपने फ़ोन को रखते हैं, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, 100-200 रुपए का एक अलार्म क्लॉक खरीद सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। फ़ोन को रात को ऑफ़ करके रखिए, हो सके तो अपने बेडरूम से बाहर ही रखिए। और दोस्तों जो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि अगर आपको इससे बचना ही है ज़्यादा ही, तो इसको वियर ना करें। मतलब कि लोग क्या करते हैं, अपने बेल्ट में लगाते हैं फ़ोन को, जेब में रखते हैं, कुछ लोग अपने ऊपर वाली जेब में रखते हैं, और कुछ वुमेंस होती हैं जो अपने ब्लाउज़ के अंदर फ़ोन को रखती हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, इससे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है और रेडिएशंस बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, इससे भी हमें बचना चाहिए। और जो तो अगर आपको और बचना है इससे, तो उसके लिए आप एक स्टेप ये ले सकते हैं, ऑनलाइन में आपको बहुत सारी शील्ड मिल जाएगी, फ़ोन के लिए कवर मिल जाएगा, जो ऐसे कवर होते हैं रेडियो एक्टिव जो भी इसमें रेडिएशंस निकलती हैं उसको कम से कम करने की वो क्षमता रखते हैं और बहुत कम कर भी देते हैं। तो दोस्तों आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अब जो लास्ट जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है, हम ज़्यादा ये जो रेडियो एक्टिव जो इसमें फैलती है वो ज़्यादा से ज़्यादा तब फैलती है जब हम किसी मेटल के आसपास होते हैं, जैसे कि आप ट्रेन में, मेट्रो में अपने फ़ोन को यूज़ करते हैं, या फिर आप कहीं बस में, या फिर कभी भी अगर लोहे के आसपास हम अपने फ़ोन को यूज़ करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी फैलती है। तो दोस्तों उस टाइम पे आप अपने फ़ोन को बिल्कुल यूज़ ना करें, जैसे कि हम कभी एलिवेटर में होते हैं, लिफ्ट में होते हैं, वहाँ पे अपने फ़ोन को बिल्कुल यूज़ ना करें। दोस्तों ये कुछ मेरी टिप्स थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको मेरी ये टिप्स अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, इस पर कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए मेरे को, और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ दोबारा नए टॉपिक के साथ, दोबारा नई टेक्नोलॉजी के साथ। गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।